हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। तो क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं आज। और पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। बिल्कुल पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोग कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। तो जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ा है, तो वो यहाँ देखिएगा कि चैप्टर नंबर 3 में से कितने प्रश्न जो है वो निकल कर आए हैं, जो हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए है। सबसे फर्स्ट है क्वेश्चन, प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है। प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो एक घटियाला अभिलेख है, उसमें हमें प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो गुणभद्र के द्वारा लिखा गया है बिजोलिया शिलालेख, ठीक है, इससे हमें चौहान वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैंने ही ये क्वेश्चन जो है वो क्रिएट किए हैं, ये आपके चैप्टर में ही दिए हुए हैं। क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर 3 में ही ये सारे क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं समझाऊंगी, क्योंकि यदि आपको डिटेल में समझना है तो आप चैप्टर पढ़िए जो कि प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। क्वेश्चन 3 है, रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है? तो चीरवा का जो शिलालेख है, इससे हमें रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4th है, जयानक के द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो इससे हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने आप लोगों को एक बार ट्रिक भी बताई थी कि जयानक में जो है वो जय है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए इनका जो महाकाव्य है उसके अंत में भी देखिए जय है। तो इस तरीके से भी आप ध्यान में रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस तरीके से हम जो है इस चैप्टर को फटाफट से कवर करने वाले हैं। 5th है, हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? तो यह नयन चंद सूरी की रचना है, या पूछा जा सकता है कि नयन चंद सूरी जो है इनकी रचना का क्या नाम है। तो याद रखना है हमीर महाकाव्य। क्वेश्चन 6 है, हमीर महाकाव्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इससे हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका रणथंभौर विजय, इसकी हमें जानकारी किससे मिलती है? हमीर महाकाव्य से। 7 देखिए, पश्चिमी भारत की यात्रा की रचयिता कौन है? तो कौन है रचनाकार पश्चिमी भारत की यात्रा के? तो वह है कर्नल जेम्स स्टॉट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखिए, 8th है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो वह है सूर्यमल मिश्रण। 9th है, वीर विनोद के रचयिता कौन है? तो उनका नाम है श्यामल दास, ठीक है, श्यामल दास की जो रचना है उसका नाम क्या है? वीर विनोद। 10th है, मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना किसने की? तो वह विश्वेश्वरनाथ ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मारवाड़ राज्य के इतिहास की रचना किसने की? विश्वेश्वरनाथ ने की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर 3rd है उसमें मात्र 10 प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट थी और वो छोड़ दी गई हो, कंप्लीट जो है वो चैप्टर 3 है, ठीक है। और आप खुद सोचिए कि क्लास 6 है और चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से जो है आपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखे हैं। तो इस तरीके से चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। इस तरीके से हम धीरे धीरे से जो है फटाफट से चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।